शकीला की बहन हया, मैं टीना हूँ जहांजेब की खाला। लेकिन आप तो जहांजेब की बहन लगती हूँ, यही कहना चाह रही हो ना? बस ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। ये तुम क्यों मजनू बने बैठे हो? हुलिया तो ठीक करो जरा। जी। वाओ हैंडसम, कहाँ की तैयारियां हैं? रानी मैं जरा एक काम से जा रहा हूँ। जबरदस्त, इसका मतलब हया का कहा तुम्हारे दिल पर असर कर ही गया है। जी शायद। लेकिन भाई आपने जो फर्ज अदा किया है ना, मेरा दिल करता है सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूं। दुआ करो कि माँ आए तो अच्छी खबर लेकर आए साथ। जी नहीं जनाब, आज रईसा आपा सिर्फ ताजियत के लिए गई हैं। राहिला को मांगने तो मैं, जहांजेब और रईसा आपा जाएंगे। पर मैं आनी? तुम तो उस वक्त जाओगे जब हम जहांजेब। मैं चलता हूँ। क्या कह रही थी आप? बता दूंगी, वक्त तो आने दो, जस्ट बी पेशेंट। तुम उस वक्त जाओगे जब हम जहांजेब के लिए। क्या कहना चाह रही थी आनी? गुड आइडिया। बस बेटियों का दुख तो बेटी वाले ही जान सकते हैं। मुझे देखे, खुदा ने ढेर सारी बेटियां दी लेकिन एक बेटी भी। हाँ, अल्लाह इंसानों के नसीब देखता है और बेटियों की। मेरा घर भी बर्बाद हो गया। मेरी बेटी ना जिंदा में है ना मुझे। जहांजेब तो खतरनाक सहरी मरीज बन गया, और अदनान उसकी तो हर सांस में तड़प। पता नहीं मेरी उस माँ किस हाल में होगी। दो बेटियों की मौत जहां दीमक की तरह चाट रही है मुझे, वही दो बेटियों की बेवकी चैन नहीं लेने देती। अब पता नहीं इसका नसीब क्या रंग लाता है। नहीं अल्लाह ना करे, इसका नसीब अच्छा हो। मैं कह रही थी कि आंटी चाय पीजिए ना। अम्मी आपने इरफान के सोए अम्मी नहीं जाना है? नहीं, ना मुझे जाना और ना ही तुम मुझे जाने के लिए कहना। वो मैं उस वहां के घर अफसोस के लिए जा रही थी, आप मेरे साथ चले। अरे रहने दे रईसा बहन, अभी दो चार दिन में ये राहिल और हया जाकर उज़्मा को यहीं ले आएंगी, यहीं मिल लीजिएगा। तो क्या उज़्मा अपनी इज्जत के दिन यहाँ गुजारेगी? अरे उसके ससुराल वाले तो उसे एक लम्हे के लिए बर्दाश्त ना करे रईसा बहन। और फिर इज्जत की मुद्दत रहने दे, यहीं आ जाएगी उज़्मा भी। गुड्डू बहन मैं। आंटी चाय कैसी बनी? आप चाय पिए, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। मैं आंटी एक मिनट किचन से उतर आती। ये देखो, ये यहाँ बैठी हुई है। तुमसे कहा था कि चाय बना के बाहर भेज दो, औरतें सिपारा पड़ रही हैं। क्या मैयत का घर है, एक आ रहा है एक जा रहा है, चाय बनाओ। आप बना लेना।
क्या कहा? आप बना ले चाय? क्या मैं बनाऊं? मुझे मुझे जवाब दोगी? जबान चलाती हो हैं? महारानियों की तरह बैठी है, उठ जाते चाय बना। ये जवाब देने लगी है, जवाब देने लगी है मुझे। अब अम्मा से कहूंगी, अम्मा से कहूंगी कि इसको बता, बता इसको, बता। अरे इसकी चाय दो। अरे क्या हुआ? रिएक्टिंग कर रही है। अरे उठ, क्या किया था तूने मनुज? मरे इसको, उठना मनुज। क्या ड्रामा खत्म नहीं होता? बाहर रोगे क्या? क्या चले जा रही है? चीख पुकार मचाई हुई है। अरे उठ, बंद कर इसको। अरे उठ, अरे सीधे तो हो मनुज। क्या हो गया? क्या हो गया? घर के अंदर लोग भरे पड़े हुए हैं और इस मनुज को देखो चीखे निकाले चले जा रही है। अरे क्या चुप करा इसको, चुप करा। तूने किया क्या था डायन? अरे कमबख्त रूबी ने धक्का ही देना था तो जरा देख के तो देती। अब देखो हमें भेजकर खुद गायब हो गई है। आप क्या करें, ये लीजिए फॉर्म, नीचे जाके 10,000 रुपये जमा करा दीजिए। रकम? और 10,000? ये तो सिर्फ एडवांस है, फाइनल रकम आपको डिस्चार्ज के बाद जमा करानी होगी। अरे अब क्या होगा, ये तो लेने के देने पड़ गए। जल्दी कीजिए, ऑपरेशन करना होगा वरना मुर्दा बच्चे जिस्म में जहर पिला देगा। मुर्दा बच्चा? जल्दी करें, नीचे जाके ये फॉर्म और ये पैसे जमा करा दिएगा। हरीरम अब क्या होगा, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अम्मा सोचने दो ना एक मिनट। हाँ एक तरकीब है। हाँ, बोल बोल। सही सही सही, बस जल्दी कर, जल्द से फोन कर। हाँ और हम चलते हैं। ठीक है, हम ये मुसीबत अपने सर पे क्यों लें। अरे अम्मा छोड़ो ना, एक मिनट फोन कर लेता मुझे। अब सिस्टर एक फोन हो जाएगा सर। मैं तो रईसा बेगम की वजादारी के कायल हो गई। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उससे बात करने को, लेकिन वो मेरे सर्द रवैये को बर्दाश्त करती चली गई। मम्मी ये तो आप ठीक कह रही हैं, रईसा आंटी के लबो लहजे से उनके ख़ानदानी होने का सबूत मिलता है। और दूसरी तरफ वो उज़्मा की सास, एकदम घटिया, पता नहीं क्या कहा जाए उनको। हेलो, क्या? अच्छा अच्छा, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ अम्मी? वो उज़्मा। क्या हुआ उज़्मा को? अम्मी। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि गुड्डू बहुत अच्छी तरह मिली और राहिला भी खुश थी। माँ ने वो अदनान और राहिला की बात की? बेटा मैं ताज़ियत के लिए गई थी, गुड्डू गम से निढाल थी। ऊपर से उज़्मा के ससुराल वालों का रवैया उज़्मा के साथ ठीक नहीं था। क्या? फिर तो गुड्डू आंटी को चाहिए कि उज़्मा को फौरन अपने घर ले आए। आज स्वयं था, स्वयं के बाद ही गुड्डू को ये फैसला करेगी, फिर मैं बात करूँगी। माँ वैसे वो मान तो जाएंगी ना? गुड्डू तो दिल की भड़ास निकाल कर मान भी जाएगी, मगर राहिला, मुझे लगता है कि राहिला एतराज़ करेगी, क्योंकि मैंने इशारतन बात भी करने की कोशिश की लेकिन उसने बात का मौजू ही बदल दिया। माँ अगर प्यार करने वाला बुजदिल हो ना तो लड़की मोहतात हो ही जाती है। बहुत तजर्बा है आपको। ठीक कह रहा है भाई, पहले तुम्हें राहिला को इत्मीनान देना चाहिए, समझे? इतना काम तो कर ही लोगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं शुरू करा है क्योंकि वो जो औरतें ही नहीं लेके आई थी वो तो भाग गई इनको छोड़ के। पर ये तो प्रेग्नेंट है इसका बच्चा। इनका बच्चा तो हॉस्पिटल आने से पहले ही मर गया था और जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनके जिस्म में जहर फैल जाएगा। और ऑपरेशन के लिए कितने पैसे? 10,000। 10,000? अम्मी मैं पैसे को कॉल करती हूँ। अम्मा अम्मा मेरी जान। अम्मा
सब ठीक हो जाएगा बेटा, आप आइए। आप परेशान मत हो, कैसे ला रहे उज्मा? बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, संभाल खुद को बेटा। मैं अम्मी नीचे जाती हूँ, फैसल को देखती हूँ और डॉक्टर साहब से भी मिलती हूँ। उज्मा अभी सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, चुप मेरी जान। बस अम्मा, बस उज्मा, उज्मा सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ऑपरेशन हो रहा है, आप बस दुआ करें। फैसल बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तो घर से पैसे भी नहीं लेकर आई थी। और उस्मा की सास और नंदे इतनी जालिम के उसे इस तरह बेआसरा छोड़कर चली गई। फैसल आई एम सॉरी, वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तुम ये पैसे रख लो। तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, अम्मी ने मुझे अपना बेटा बनाया तो मेरा फर्ज बनता है कि नहीं फैसल, मैं नहीं चाहती कि अम्मी के ऊपर कोई भी दूसरा एहसान करे। और वैसे भी अबू ने हमेशा मुझे बेटे की तरह पाला है और मैं ही इस घर का बेटा हूँ। या तो मैं ये पैसे तो रखने ही पड़ेंगे, और वैसे भी अभी सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, क्या पता ये रिश्ता। फैसल आप ये पैसे रख लीजिए ना। अम्मी मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उसमें अब काफ़ी बेहतर है, आप फैसल के साथ घर चले जाएं, मैं और अहिला यहीं रुक जाएंगे। नहीं बेटा, मैं यहीं रुकूंगी उस्मा के पास। हया मैं यहीं रुकूंगा, न जाने कब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। अभी आप जाएं प्लीज, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उस्मा बिल्कुल ठीक है। आइए सर, घर चलते हैं। मेरा ख्याल है हया को मेरा बेटा बनना पसंद है। चाहे भी आप आराम करें। आइए सर। हया ये क्या तरीका है, ये कैसा सलूक किया तुमने फैसल के साथ, उसकी हमदर्दी और खुलूस का ये सिला। बुरा तो तुम अपने साथ कर रही हो, फैसल के एहसान तले दबकर। फैसल अम्मी का बेटा नहीं है। एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, साइमा के लगाए हुए इल्ज़ाम को तुम सच साबित नहीं कर सकती कि मैं साइमा का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करने का सोच रही हूँ, समझी? अरे अरे कमबख्तो, इतनी जोर से धक्का देने की क्या जरूरत थी, मर मरा गई तो हम अंदर होंगे। अम्मा तुम तो कह रही थी कि ये बच्चे इरफान के नहीं है, और अब कह रही हो क्या? इरफान का ना सही था तो बच्चा ना। अरे अम्मा इस मनुस मारी को जूडो कराटे दिखाने की भी तो बहुत जरूरत पड़ती है ना हर जगह, अब ये सोचो वो मर गई तो क्या होगा। अच्छा अच्छा ऐसे करो, जल्द से घर को ताला लगा के हम चले जाते हैं हैदराबाद खाला कनीज के घर, और जल्द से सामान समेटो, जब मामला ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आ जाएंगे। अरे अम्मा तुम इतना डर क्यों रही हो, सबर करो, मैं मोहसिन को फोन करती हूँ, उसके पुलिस स्टेशन में बहुत ताल्लुक आते हैं। ए है मोहसिन को जानो भाड़ में, जल्दी करो उठो दरवाजा बंद करो निकलो। राहिला मुझे उस्मा की रिपोर्ट्स की फाइल दो। क्यों कहाँ जा रही हो तुम? उन लोगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी किसी की लड़की पर ऐसा जुल्म ढाने का सोचेंगे भी नहीं। हया प्लीज़, सही सलामत है ना उस्मा, बस काफ़ी है ये हमारे लिए। एक मासूम का तो कत्ल हुआ है ना, कैसे काफ़ी है ये तो मुझे। हया पागल लड़की है ये। अम्मी उस्मा
अम्मी बेटा अभी गई हैं बाहर, बाहर डॉक्टर तक, डॉक्टर के पास गई हैं। खाला पानी ले। हाय हाय मेरी जान, तो बस उज़्मा में अटकी हुई है, ये हया बिना खाम खा की जिद पकड़ लेती है। खाला मुझे लगता है हया को मेरा आपसे मिलना पसंद है। मैंने उसे पैसे दिए थे इसलिए कि उज़्मा आपकी बेटी, इस लिहाज से वो मेरी भी कुछ है। मेरा फर्ज बनता है खाला कि मैं इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दूँ। जीते रहो बेटा, लेकिन तुम हया का बुरा मत मानना, वो बस ऐसी ही है। बचपन से बेटा समझकर पाला है ना उसे, तो उसका मिजाज हाथ माना है। बस तुम बुरा मत मानना उसके बारे में। रहिला? अच्छा ठीक है सब खैरियत है ना? हाँ हाँ खाला सब खैरियत है। वो उज़्मा को होश आ गया है, रहिला उसे लेके घर ही आ रही है, सब ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। बेटा तुम ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। ये हॉस्पिटल वालों ने तो दुकान खोल रखी है इंसानियत की आड़ में। अब पानी पिया ना खाला? आपके खिलाफ थाने में किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है? अरे किसने करवा दी? हया ने। अरे उसकी बातों में क्यों आ गए पुलिस वाले भाई, वो तो वैसे ही बेहया है। वो बेहया है या हया है वो थाने जाके पता चलेगा। चलें जल्दी करें। अरे बता थाने देखो मुझे। अरे चलें भाई चलें चलें चलें। देखो 150 में कोई। अरे 150 की कहानी वहाँ जाके देखेंगे। चलें आप जल्दी करें। चलो भाई ले लो। चलें जल्दी करें। चलें चलें। और हाँ बाद में इस घर को सील करना है। है सील? आ जाओ अम्मा। अरे जा नहीं पड़ेगा। अरे मनुष्य मारे हवा खौफ ज़्यादा करवा देते हैं। बस उस्मा चलो शाबाश उठो हिम्मत करो हम घर चलते हैं। आ जाओ। घर कौन से घर? आप ही अम्मी के घर? अपने घर नहीं यहाँ पे। इरफान मेरा बच्चा भूल जाओ ना सब कुछ, इरफान को भी और उसके घर वालों को भी, जहाँ पर इतना जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। आ जाओ शाबाश संभल के संभल के एहतियात से आराम से आ जाओ। आओ 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 अबे बैठो संभाल के। अभी मुझे वहां नहीं जाना। अम्मी को मेरे बच्चे से हमेशा से इतनी नफरत थी, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। उस्मा को आजाद करो इन मनफी सोचों से। तुम्हें पता है अगर इरफान के बाद कोई तुम्हारे बच्चे को सीने से लगाने वाला है ना तो वो सिर्फ अम्मी है। ऐसे मत सोचो। शाबाश चलो घर चले। पता नहीं हया भी कहाँ रह गई है। आ जाओ देख लेते हैं उसको भी बाहर। शाबाश मैं दरवाजा खोलूं एक मिनट। आ जाओ चलो शाबाश। सही हो? भाई अम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि राहिला को एतराज होगा?
इस सवाल का जवाब तो तुम्हें राहिला ही दे सकती है। राहिला? हया, ये क्या किया तुमने? उन तीनों माँ बेटियों को गिरफ्तार करवा दिया। अम्मी, उनका यही अंजाम होना चाहिए था। आदरा खुद सोचे, उज्मा की जान जा सकती थी और फिर बच्चे का तो कत्ल हुआ है ना। रानी बेटी राज करे।